तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप कंप्लीट जरूर देखना। आज का जो इस वीडियो के जरिए इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ पूरी तरह आप एडुकेशनल होंगे और मोटिवेशनल रहेगा, और वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखते रहेगा। ये लाइफ का सवाल है दोस्तों। ओके दोस्तों, मैं हूँ उषारंजन और आप देख रहे हैं टेक्निकल जरूर। तो दोस्तों मजबूरी में ऐसे वीडियो बनाना पड़ता है। तो दोस्तों आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसी कहर फैल गया कि आप पूछिए मत, कि आप कह नहीं सकते इसके तौर पर। दुनिया अभी पूरी रिश्की में है और दुनिया एकदम ऐसा लग रहा है कि दुनिया खत्म होने वाला ही है। ओके दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप मेरे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना, सारे बेल आइकन प्रेस। तो चलिए दोस्तों वीडियो को अपने साथ शुरू करते हैं। ओके दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी क्या है, हमारी पूरी भारत जो है क्या लॉकडाउन चल रहा है, जो कि कोरोना से जुड़ी है, जो कि कोविड-19 से लेके 19 को लेके पूरी तरह 21 दिन तक हमारे भारत का जो प्राइम मिनिस्टर है, जो नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने लॉकडाउन कर दिया पूरा भारत में। और इसको लेके भी बहुत ही लोग परेशान हैं, चर्चा में हैं। इसके साथ अब ये जो बीमारी है बहुत ही प्रॉब्लम में है। और इसके साथ ही बाहर देश की बात आई तो अब इटली में इतना कहर फैल गया दोस्तों। आप खुद ही आप इसका वीडियो, इसका इमेजेस देख सकते हैं, कितना उसमें हड़बड़ी मच गई और इतना प्रॉब्लम चल रहा है, कितना कहर फैल गया होगा। अगर ऐसे स्थिति हमारे भारत में अभी तक ठीक है दोस्तों, लेकिन सिर्फ आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि आपको जितनी बताया गया है, जो कि हमारे भारत का नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और उसी बात को थोड़ा आप मानने की कोशिश कीजिएगा। ये वीडियो को दोस्तों हो सके तो अपने दोस्तों का शेयर कीजिएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, इसके साथ साथ क्या हुआ कि अभी एक तो चल ही रहा है और साथ ही साथ एक सुनने में आया, एक बहुत ही बिग न्यूज, बिग समाचार आया है कि चाइना से फिर से और एक हंता वायरस होने का सामने नजर आ रहा है। हंता वायरस एक ऐसी वायरस है जो कि चूहों से निकल के आया है, पता नहीं चूहा से, इसे कुछ इसका अनुमान लगाया जा रहा है चूहा से आया है। और ये आदमी जो है मर बिल्कुल कंफर्म डेथ हो गया, जो कि बस के अंदर मरा है। साथ ही साथ 13-14 लोग और भी थे उसके साथ ही, क्योंकि इसमें कुछ टेस्ट कर रहे थे पता नहीं, लेकिन ये जो है डॉक्टरों के अनुसार ये बीमारी जो है टेस्ट करने के बाद पता चला कि ये जो है वायरस मर तो गया है। उन लोगों को लगा कि डॉक्टरों को कि ये किस वजह से मरा, इन लोगों को लगा कि कोरोना वायरस के वजह से मरा, लेकिन जैसे डॉक्टरों रिपोर्ट के अनुसार देखिए पाया गया है कि चूहों से निकल के आया रिपोर्ट। और ये वायरस जो है कोरोना वायरस से बिल्कुल ही भिन्न है, यानी पूरी तरह अलग है, इससे तुलना नहीं किया जा सकता। अब ये एक ऐसी वायरस है दोस्तों, आप कहने से बता नहीं सकते। एक तो चल ही रहा है दोस्तों, और एक ऊपर से हमेशा कुछ ना कुछ होते रहता है। अब देखिए, मुझे लगता है दोस्तों ये दुनिया खत्म होने वाला है, इसलिए सुरक्षित रहने की कोशिश कीजिए। चाहे जो कुछ भी हो जाए, जितना बताया जा रहा है उतना पालन करने की कोशिश कीजिए, बाहर एक कदम भी मत रखना। अभी देखिए पूरी तरह लॉकडाउन का मतलब बाहर से बिल्कुल भी नहीं निकलना है, लॉकडाउन उसी को कहते हैं, घर से बाहर नहीं निकलना। अब इंडिया वाले सुनते भी नहीं है, हम क्या कर सकते भाई, इतना पूरे देश के लिए बताया गया है तो पूरा बंद कर दिया गया। तो लोग सुन क्या करते हैं, घूमते रहते हैं बाहर, कभी साइकिल से कोई बाघ से घूमते हैं, और पुलिस वाले क्या करते हैं इसके चक्कर में इसको लेके दंडा मार लेने लगते हैं। आप किसको दोष दे सकते हैं, खुद हम ही लोग का दोष है। पुलिस वाले तो मारेंगे क्योंकि उन लोग, वही लोग क्या करते हैं अपना ड्यूटी निभाते हैं। ये हम लोग ये सब हम लोग के लिए, आपके लिए तो करते हैं। नरेंद्र मोदी किसके लिए कर रहे हैं, पुलिस वाले किसके लिए ये सब कर रहे हैं, हम लोग के किसके लिए कर रहे हैं, हम लोग का भलाई के लिए कर रहे हैं, देश की सुरक्षित के लिए कर रहे हैं, लेकिन हम लोग समझते नहीं है इस बात को। देखिए, पैसों से, व्यापार से, खाना से भी ज्यादा कीमती हो गया अभी हम लोग का जिंदगी। देखिए ये जिंदगी जो है ना एक बार चली जाती है, दोबारा मिलने वाला नहीं है, लेकिन खाना चली जाती है तो दोबारा मिलने का चांसेस है दोस्तों। पैसा तो दोबारा आपको मिलेगा ना, मेहनत करो तो मिल जाएगा, लेकिन मेहनत करके जिंदगी मिलता है क्या, एक बार चला जाता है कैसे मिलेगा। इसीलिए आप खुद समझ सकते हैं ये जिंदगी हम लोग का, जो इंसान का जो जिंदगी होता है ना, बड़ी कीमती होता है, जैसे बहुत ही कठिन होता है जो कि मनुष्य के रूप में पाना। इसीलिए आप समझने की कोशिश कीजिए, और हो सके तो बाहर से ना निकलिए, और हमेशा कुछ मास्क यूज कीजिए, और अपने रिश्तों से भी दूरी बनाए रखने की कोशिश। जब भी बातचीत होता है, कोई सामान लेते हैं, तो थोड़ा सा कुछ 5-6 इंच तक आप दूरी बनाए रखिए और बातचीत कीजिए। दूसरों का कहना तो अलग बात है, दूसरों से बाहर निकल के तो बात बिल्कुल ज्यादा नहीं करना है, बात कर सकते हैं थोड़ा दूरी बना के, मास्क लगा के बात कीजिए, और ज्यादा मेल भाव मत रखना, और ये बस ख्याल रखना अपने। आप देखिए किस क्या बता सकते हैं दोस्तों इसके तौर पर, और क्या क्या निकलते आ रहा है, दुनिया बिल्कुल खराब हो गया। क्योंकि अभी जमाना ऐसे चल रहा है कि आपको पता है ये कालियुग की है दोस्तों, पहले जैसा जमाना रहे वो सत्ययुग था, सत्य में सब कुछ जो मांगते थे लोग होते थे, अभी जो भी मांगोगे कुछ भी होने वाला नहीं है। काला गोरा कुछ भी इसमें फर्क नहीं पड़ता, गरीब अमीर इसमें फर्क नहीं पड़ना, सुपर हीरो भी आएगा, सुपरमैन भी आएगा, इसमें कुछ भी नहीं कर पाएगा, वो फिल्मों में आते हैं दोस्तों। ये रियल फिल्म चल रहा है दोस्तों, सुपर हीरो या कुछ भी हीरो हो, शक्तिमान हो, कोई भी नहीं बचेगा इसमें, इसको पूरा खत्म ही कर देगा। इसीलिए आप सुरक्षित रहिए, बी सेफ दोस्तों। और मेरे बात को ये वीडियो जो है अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और अपने फैमिली रिश्तेदारों दोस्तों का शेयर करना ना भूलिए। आप ऐसे हालत में, ऐसे सिचुएशन में, ऐसे जानकारी आप शेयर नहीं करेंगे तो और किस प्रकार की जानकारी शेयर करेंगे दोस्तों। तो इसी प्रकार का हंटा वायरस जो आया हुआ, ये बहुत ही खतरनाक लग रहा है दोस्तों। एक तो ये बास के ऊपर मर गया, ये मामूली बात नहीं है दोस्तों, आप खुद समझ सकते हैं। क्या पता नहीं किस अनुमान लगाया जाए, डॉक्टरों के अनुसार जो है ये वायरस बिल्कुल ही भिन्न है, जो कि अभी कोरोना वायरस से तुलना किया जाए तो बहुत ही फर्क है दोस्तों। मुझे लगता है इससे भी ज्यादा वो खतरनाक हो भी सकता है। अभी तक वो रिपोर्ट आया आने का अनुसार, और भी बहुत सारे लोग उसके साथ बास में जो मौजूद थे, वो लोग भी ट्राई किए थे, मतलब इसे सुनने में आया, इसका मतलब ये व्यक्ति मर गया है तो उन लोगों का भी ऐसे चांसेस है कुछ होना। इसलिए भाई सजगता रहिए, अलर्ट रहिए, और सेफ्टी रहिए, कुछ अच्छे से यूज कीजिए, बाहर जाते हैं मत जाइए, मत जाना, और कुछ भी पकड़ते हैं छूते हैं उसको अच्छे से तुरंत आप अपने हाथों को धो लीजिए साबुन से, और हमेशा दूरी बने कपड़ा जो भी पहनते हैं उसको आप खोलने के बाद उसको आप धो लीजिए अच्छे से, वॉश करने के बाद उसको सुखा दीजिए, और नए ड्रेस आप पहन लीजिएगा। हमेशा आप मास्क लगा के रखिए चेहरे पे, मुंह पे,
ताकि किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, सेफ्टी रहेगी दोस्तों। आई होप दोस्तों बताए गए जिन इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ही पसंद आई, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दिए अपने दोस्तों के साथ और मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो तक, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।